नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में कथित जहरीली शराब पीने से 3 की मौत के बाद दरभंगा पुलिस मकसूदपुर गांव में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हायाघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में जबरदस्त छापेमारी और जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस, जिसमें सदर DSP अमित कुमार के नेतृत्व में हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उनके साथ भारी दलबल के साथ सभी जगहों पर की जा रही है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने जो बेहतर काम किया चारों तरफ, लेकिन इस बीच जो जहरीली शराब की खबरें आ रही हैं, इसमें बीच में आपको बता दें कि SSP अवकाश कुमार ने तीसरे व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए मृतक के परिजन द्वारा दिए आवेदन के आरोप पर एक संदिग्ध हिरासत में लेने की बात कही है। जहरीली शराब पीने से मौत को SSP अब नकार रहे हैं, लेकिन एक साथ 5 की तबीयत खराब होना और 3 की मौत पर मामला संदिग्ध भी बता रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए SSP अवकाश कुमार ने बताया है कि मीडिया के माध्यम से और साथ में खासकर प्रतिभा रानी है, प्रभारी DM, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ी खबर बता दें दरभंगा जिला से, जहां पर DM का बयान, प्रभारी DM का बयान आया है, SSP अवकाश कुमार का बयान आया है। आपको बता दें कि यहां पर पहले ये उन्होंने बताया है कि खासकर पहले 2 लोगों की मौत की जानकारी हुई थी, दोनों शव का लोगों ने संस्कार कर दिया था। आज इसी घटना से जुड़े तीसरे व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई है, सबको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं एक मृतक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर शराब बेचने के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हालांकि हिरासत में लिया व्यक्ति शराब कारोबार से खुद को अलग बता रहा है, लेकिन एक गांव में एक साथ 4 लोग अचानक बीमार हो गए हैं, हो जाए और एक के बाद एक की मौत होती हो तो कुछ तो मामला संदिग्ध जरूर प्रतीत होता है। बीती रात गांव में खुद जाकर SSP अवकाश कुमार ने कहा है कि जगह जगह छापेमारी की गई है, ग्रामीणों से ऐसे बीमार लोगों को ना छुपाने और ना सामने लाने की बात अपील की गई है। वहीं पुलिस लगातार इस मामले को गंभीर रूप से संदिग्ध बता रही है और जांच भी कर रही है। SSP अवकाश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, प्रतिभा रानी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। किस तरह की कार्रवाई, ऐसी एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। मौत का कारण अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता क्योंकि क्रियाक्रम पूर्ण कर लिया गया था। अभी एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उनका पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा कि क्या कारण है। एहतियात के तौर पे वहाँ पे जो है हम लोगों ने रेड वगैरह करने के लिए बोला, यदि इस प्रकार का कोई मामला है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। आदमी की मौत हो गई है, आज तीसरा आदमी की भी मौत हो चुकी है, इस पर में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसकी सूचना कल शाम को मिली थी और आप लोगों के माध्यम से ही मिली थी। तत्काल हम लोग वहाँ जाकर छानबीन किए थे, पूछताछ भी की। कल 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, उन दोनों लोगों के परिवार के लोगों से बात हुई थी, हमारी डिटेल में बात हुई। उन दोनों के परिवार के लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई शराब पीने की, लेकिन एक गाँव में 4 लोग बीमार पड़ जाएँ, 2 लोग 3 लोग डेथ कर जाएँ, वो थोड़ा सा संदेहास्पद है। कल भी हमने कहा था कि जब तक इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है। अब 2 लोगों की बॉडी कल ही गांव वालों ने जला दी थी, घर वालों ने, वो हम लोग को सूचना नहीं मिल पाई थी। बट एक तीसरे व्यक्ति की जो आज सुबह मृत्यु हुई है DMCH में इलाज के दौरान, उसकी पोस्टमार्टम होगी, उसका रिपोर्ट आएगा, स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि असली कारण क्या था। एक और व्यक्ति जो कल समस्तीपुर में जिसकी खबर मिली थी इलाजरत है, वो भी आज आए हैं, हायाघाट में आए थे, उनको भी DMCH में इलाज के लिए लाया जा रहा है। कल हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे लोकल, उनसे भी बात हुई थी, वहाँ के चौकीदार से भी बात हुई और गांव वालों से भी बात हुई। हम लोगों ने ये भी अपील किया कि और भी किसी घर में कोई बीमार हो तो काइंडली उसको छुपाएं नहीं, सूचना दें ताकि ससमय उनका इलाज किया जा सके। और उन इलाकों में कल छापेमारी भी हुई है डॉग स्क्वाड के साथ, LTF की टीम भी थी, जिला से भी बल गया था, बट ऐसा कोई संदेहास्पद संदिग्ध सामान नहीं मिला। एक जो आज सुबह जिनकी डेथ हुई है उनके घर वालों की तरफ से एक आवेदन दिया गया है प्राथमिकी के लिए, उसमें एक व्यक्ति पे संदेह व्यक्त किया गया उनके द्वारा कि वही शराब बेचता है, वही पिलाता है, उस व्यक्ति को भी हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बट अभी तक उसके द्वारा शराब बेचे जाने या बनाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो कोई और एंगल हो सकता है कि नाम किस लिए दिया है इन्होंने, वो सब जांच का विषय, जांच कर रहे हैं। अगर सर कुछ दोषी पाए जाते हैं इस मामले में तो क्या कुछ लोगों पर कार्रवाई की जाए? देखिए, इसमें तो सीधा 302 का मुकदमा बनता है, हत्या का मुकदमा बनता है। अगर कोई इसमें आएंगे तो उसी में हम लोग चार्जशीट करेंगे और आगे कोर्ट में उसके लिए हम लोग सबूत पेश करेंगे।